हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक यादव और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्कॉर्पियो M2DI CR की 2012 मॉडल। और यह EX मॉडल में आती थी, सबसे बेस मॉडल है यह। और आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, कि भारी भरकम डिमांड आज के मार्केट में इस कार का है। लोग सेकंड हैंड कार इसको प्रेफर कर रहे हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, कोई लगन में चलाने के लिए, कोई भाड़े में चलाने के लिए, एज ए कुछ भी पर्सनल के लिए तो कमी यूज़ की जा रही है। और आज हम इसका पूरा टोटल फीचर्स, गाड़ी कितने पड़ी, सेकंड हैंड इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, टोटल ओनरशिप रिव्यू दिखाएंगे। जो इनके ओनर है, मालिक है, वो भी आए हुए हैं और उनसे पूरी बात करेंगे और बताएंगे कि कार उन्होंने कितने में ली, कैसे ली और कितनी चला दी लेने के बाद, कितनी वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है। 7 सीटर में स्कॉर्पियो M2DI EX ही लें या यमहॉक इंजन लें, दोनों में क्या डिफरेंस है, यमहॉक इंजन और EX में, M2DI में कितने मेंटेनेंस खर्चे का फ़र्क आता है दोनों कार में, और कितना ही सर्विसिंग कास्ट आती है, और कितना दोनों को में माइलेज का फ़र्क है, कि किसका माइलेज अच्छा है किसका नहीं, टोटल पूरा आज रिव्यू करेंगे हम। माइलेज, दाम और सर्विसिंग और पार्ट्स कितने अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ आज हम इस कार के बारे में, इनके ओनर भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं कार का आप वॉक अराउंड देख लीजिए। और कुछ इस टाइप से है स्कॉर्पियो M2DI EX मॉडल। और हम फ्रंट से इसके स्टार्ट करते हैं। पहले इस बार इस कार के बारे में बता देता हूं मैं कि इसमें नॉर्मल जो है आपको हैलोजन 130 वाट के बल्ब मिल जाते थे, साइड में यहां पे इंडिकेटर्स मिल जाते थे, कुछ यहां पे इंडिकेटर्स, कुछ LEDs के 8-9 बल्ब छोटे छोटे दे रखे हैं, कुछ यूनिक का इस साइड में कोई लाइट नहीं है, बस ऐसे फिनिशिंग दे रखा है। और 15 इंच के टायर मिल जाते हैं आपको, और आपको यहां पर भी M2DI CR की बैजिंग मिल जाती है, पावर्ड बाय M2DI CR। ये इंडिकेटर्स यहां पे मिल जाते हैं, कोई भी आरवीएम पे आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलते थे, चूंकि बेस मॉडल स्कॉर्पियो ने निकाला था। और फ्रंट में आपको कोई भी इसमें कंपनी से जो फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं आता था बेस मॉडल में, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती थी। और सेम वही चीज़ इधर भी आपको सेम मिल जाता है। और बात करें इसके इंजन फिगेशंस की फ्रेंड्स, तो 2523 CC का इसमें इंजन आता है, जो EX मॉडल है, जो कि आपको 4 सिलेंडर का टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है, 2523 CC का, 2500 CC का इंजन मिल जाता है, जो कि 73 BHP की पावर निकालता है और 200 Nm का टॉर्क है, गाड़ी आराम से निकाल देती है। और जो यमहॉक इंजन आता था उसका 2200 CC का इंजन आता था। यमहॉक में दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, अभी मैं इनके ओनर्स पूछूंगा, ओनर बताएंगे कि यमहॉक इंजन में और इस इंजन में कितना अंतर है, क्या माइलेज दोनों का है। और कंपनी इस इंजन का जो है 2500 CC का इंजन, जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 14 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और एक्चुअल में क्या मिल रहा है अभी ओनर से हम पूछेंगे। और बात करें इसके जो है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है फ्रेंड्स। और ये 5 डोर ऑप्शन में कार आती है, 7 सीटर प्रॉपर आती है, और 460 लीटर का बूट स्पेस में मिल जाता है। और इसमें AC वेंट रियर में भी है, फ्रंट में भी AC वेंट है, कोई भी एयरबैग का ऑप्शन इसमें नहीं आता है। जो भी दरवाजे पर क्रोम लगा है, सब आफ्टर मार्केट क्रोम लगाया हुआ है इन्होंने, कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं आते, रिम आते थे, और इन्होंने जो व्हील कवर आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। तो आइए हम इनके ओनर से मिलाते हैं और पूरी डिटेल लगते हैं कि 7 सीटर में क्या कितनी ही वैल्यू फॉर मनी ये कार है। 7 सीटर में अर्टिगा लें या सेकंड हैंड इनोवा लें या फिर A R लें, कितना बॉडी रोल है, क्या माइलेज निकाली है रूलर में, गांव में, शहरों में, और सात लोगों के साथ में क्या माइलेज निकालती है, सिंगल में क्या माइलेज निकालती है, टोटल रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे बड़े भैया जी हैं और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अपना परिचय एक बार दे दीजिए। हाँ, दीपक भाई के मित्र। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत। तो ये बताइए कि आपने इसके पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? पहले मेरे पास महिंद्रा बोलेरो थी। महिंद्रा बोलेरो OBM2DI में थी जी। OBM2DI में थी।
तो इसमें भी इंजन वही आता है? सेम इंजन है, महिंद्रा बोलेरो का ही इंजन है। महिंद्रा बोलेरो का इंजन, थोड़ा सा तेज बोलिए ना तो आवाज आएगा। अच्छा, तो कितने में कब लिया गाड़ी, कितने में लिया आपने? इसको लिया हम लगभग 8 महीने पहले। 8 महीने? हाँ, लगभग 4,15,000 में। 4,15,000 में 12 मॉडल? 12 मॉडल। अच्छा अच्छा, तो लेने के बाद कितना किलोमीटर चला, कितनी चली थी तब उस समय? उस समय चली थी 1,15,000 चली थी। अच्छा, और इस समय 1,52,000 चल गई है। बहुत चला दी 8 महीने में जी। 1,15,000 चली थी, 1,52,000 चल गई जी, यानी 35-40,000 चला दी 8 महीने में। भाई साहब देख लो, तो इंजन का क्या मतलब है? इंजन तो बहुत रिलायबल होगा फिर उसका? बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, एकदम नॉर्मल, एकदम किसी तरह चली, एकदम चाहे जैसे चलिए, चाहे जैसे। अभी मैं दिखा दूं, अभी इस रास्ते पर भी मैं इस कार को अभी लेकर आए हैं, इसके पहले भी हमने इसमें कुछ रोडिंग ऑफरोडिंग किया है, ऐसे रास्ते भट्टे का रास्ते है, लेकिन बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस और टायर बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो क्या माइलेज वगैरह क्या निकाल देती है? माइलेज तो इसका भैया जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि हाईवे को छोड़ के जैसे लोकल पे 15 का एवरेज है। 15 का लोकल में? 15 का लोकल पे 15 का है। भाई देख लो, लोकल 15 पे दे रही है। हाईवे पे अगर 5 नंबर टापो टाप चलना हुआ, अगर टापो टाप अगर चलना है तो मान करके 16 से 17। बहुत अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी। अच्छा, प्रॉपर 7 लोगों को 7 माइलेज है, सिंगल माइलेज है, मतलब 7 आदमी बैठा के 6 आदमी को बैठा के माइलेज निकाल। तो लोकल में जैसे कि चलते हैं तो कम से कम 5-6 लोग 7 लोग रहते ही हैं। 5-6 लोग 7 लोग रहते, उसमें 15 का चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि गाड़ी भाड़े के लिए ज्यादा यूज होती है, भाड़े के लिए ज्यादा, तो इसमें लगभग 7 से 8 लोग रहते ही हैं, रहते हैं 6-7-8। अच्छा बताइए कि सर्विसिंग खर्चा क्या आता है अगर आदमी सर्विसिंग कराने जाए? खर्च मान करके चलिए 3500 रुपये आता है। 3500 रुपये जी। अच्छा, आपने गाड़ी लिया तो लगभग और क्या क्या करवाया? टायर चारों बदलवाए हैं? चारों टायर डाला नया टायर, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप से इसकी गोटी है, बड़ी बड़ी, बिल्कुल जैसे कि भाई लद्दाख उद्दाख जाती गाड़ी जाने वाली है। तो टायर कितने पड़े चारों? एक टायर चारों पड़े लगभग 5000 को चाइना टायर है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काफी ही रिलायबल चाइना टायर, प्रेफर तो नहीं करूंगा लोग को लगवाने के लिए, बट भाड़े में गाड़ी चलनी है तो लंबी दूरी होती नहीं है, 50-60 किलोमीटर हाई साई, 100 से 100 किलोमीटर, उसके बाद गाड़ी फिर रुक जाती है, तो ज्यादा लंबी गाड़ी जाती नहीं है, तो आराम से चाइना टायर कम पैसे में काम भी कर देती, पैसे भी बचा देती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि यमहा का इंजन भी आता है इसमें? हाँ, एस एल एक्स मॉडल आती है। हाँ। एसएक्स मॉडल आती है, उस यमहा के इंजन में और M2DI इंजन में क्या फर्क है, और क्या सर्विसिंग खर्चा है, क्या मेंटेनेंस खर्चा है, दोनों अंतर है? मेंटेनेंस खर्च में तो काफी अंतर है, काफी अंतर, सर्विस में भी थोड़ा खर्च है, ज्यादा खर्च है यमहा का। और उसमें बस अंतर इतना है कि वो थोड़ा चलाने में और रिलैक्स मिलता है, जैसे कि बिना एक्सीलरेटर के भी गाड़ी उभार देती है, इसको हल्का एक्सीलरेटर देना पड़ता है। अच्छा, मतलब पावर ज्यादा है? हाँ, पावर ज्यादा है उसमें, पावर ज्यादा है, लेकिन एवरेज डाउन है इसका, एवरेज डाउन। उसका कितना माइलेज होगा? उसका माइलेज लगभग 12-13 का है, बहुत ज्यादा हैवी पर 13 का है। मैं बता दूं भैया ड्राइविंग लाइन में बहुत दिन से है और इनके फ्रेंड सर्किल में यमहा इंजन में कई गाड़ियां हैं, M2DI भी कई गाड़ियां हैं, तो उनको जो अच्छा हमसे ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि यमहा इंजन का क्या अभी फीचर्स और क्या मेरिट डिमेरिट है, तो उसका मेंटेनेंस खर्चा भी ज्यादा है। हाँ, मेंटेनेंस खर्चा, माइलेज भी ज्यादा, फिर माइलेज भी कम देती डाउन है, डाउन है, पार्ट्स भी उसके महंगे मिलते हैं, पार्ट क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, जिससे उसका क्लच प्लेट अगर क्लच सिलेंडर अगर लीक होगा तो कम से 6-7 हज़ार रुपया लगता है, 6-7 हज़ार, इसमें 1200-1300 में हो जाता है, 1200-1300 मेंटेनेंस खर्च होता है यमहा का और M2DI में। अच्छा, और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर कोई M2DI लेना चाहता हो, सेकंड हैंड स्कॉर्पियो देख रहा हो, तो M2DI ले कि यमहा का इंजन ले? अगर भाड़ा लाइन में अगर चलना है तो M2DI बेस्ट है, M2DI बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, और माइलेज भी अच्छा निकाल के देगा? माइलेज तो बता दिया, कम से कम लोकल 15 का देगी। तो भाई साहब ये देख लीजिए यार, बिल्कुल सब कुछ है, और गाड़ी का मैं और इच्छा ही बताइए कि 7 सीटर आदमी कुछ लोग अर्टिका प्रेफर कर रहे हैं 4 से 5 लाख में, तो इन दोनों में क्या अंतर है ग्राउंड क्लियरेंस के माने में? देहात के लिए मतलब उसका खराब रास्तों के लिए, खराब रास्तों के लिए समस्या हो जाती है अर्टिका में, अर्टिका के लिए, और रास्ता में प्रॉब्लम, जैसे उछल रास्ता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है अर्टिका के लिए। इसमें मान लीजिए 7 सीटर 9-10 भी बैठ गए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो 10 लोग को बैठा कर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं, अर्टिका में 10 बैठ गए तो बैठ जाएगी गाड़ी, वो तो बैठ जाएगी, उसका सस्पेंसर भी बैठ जाएगा, ये सब है। अच्छा, अभी तो इनोवा का तो कोई मतलब इसका कोई मतलब तो जोड़ी तोड़ नहीं, वो अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है। हाँ, वो तो अलग चीज हो गई भाई साहब की। और चलते हैं कार के अंदर बैठ के, और कार के अंदर दिखाते हैं गाड़ी क्लस्टर मीटर खोल कितनी चल चुकी कितनी नहीं चली है। तो फ्रेंड्स बात करें डोर ओपन करके, तो डोर से स्टार्ट करते हैं। M2DI X मॉडल का था, नॉर्मल आपको डोर जो है बारम जो स्कॉर्पियो देती थी, यहाँ पे नॉर्मल जो है कुछ कपड़े का सॉफ्ट टच है दे रखा है, कोई पावर विंडो इस गाड़ी में नहीं आती थी, नॉर्मल ही ये हुंडी है स्कॉर्पियो में घुमाने वाली, ये अप एंड डाउन करने वाला शीशा आप देख सकते हो, ये चीज़ है। और स्टेयरिंग इस टाइप से दिखती है, 12 मॉडल है फ्रेंड्स, तो आराम से आपको 9 साल एवन हो गए होंगे, अगले 10वां साल चल रहा है,
तो अभी मैं दिखाता हूँ इसे क्लच मीटर कैसे किस टाइप से दे रखे हैं इन्होंने, सीट कैसा दिया हुआ है, क्या क्या फीचर्स इसमें कार में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से इसका जो है माइलेज मीटर 12 में दिया हुआ है और गाड़ी 151,203 किलोमीटर चल चुकी है। और आपको बात करूं तो यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाता है, वहाँ आपको सामान रखने के लिए मिल जाता है, उधर भी कोई भी आप पावर विंडोज़ का ऑप्शन नहीं किसी भी इस गाड़ी मिलता है, आपको शीशे के लिए वही डंडे का उपयोग करना पड़ेगा। नीचे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है पीछे का जो है मिरर्स साइड बीच का RPM दिया हुआ है, यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल, एक शीशा जो टूट चुका है, इधर भी किसी प्रकार कुछ नहीं मिलता है। और काफ़ी हाइट पे कार है दोस्तों। और बात करें गियर की, तो गियर ये है और नॉर्मल आपको एसी वेंट से मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करें हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाती है, और इधर भी कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ पे एक दो आधा लीटर का मतलब आपके बॉटल आ जाएंगे, यहाँ पे एक लीटर का बॉटल आ जाएगा आपको। रेसी में रियर में भी एसी वेंट मिल जाते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं इस गियर में कितना वाइब्रेशन है फ्रेंड्स इतने चलने के बाद। यह है गियर और गाड़ी करते हमें स्टार्ट, इतना वाइब्रेशन है अभी भी देख सकते हो। स्कॉर्पियो के महिंद्रा के हर गाड़ियों में है वाइब्रेशन, इतना हल्का फुल्का गियर में रहता है दोस्तों। तो कुछ इस टाइप से आवाज़ आप देख सकते हो कि आवाज़ प्रॉपर एसी वगैरह भी इसका काम कर रहा है। कर रहा है गाड़ी का। तो अभी चलते पीछे और रियर में दिखाते हैं कितना स्पेस है इस कार में। अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, आराम से 4 बंदे आप आराम से बैठ के चले जाएंगे फ्रेंड्स। रियर में एसी मिलता है, लेग रूम और हेड रूम की कोई चिंता ही नहीं है, पीछे भी दो दो आदमी आराम से आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये रहा टोटल एक का रिव्यू, आपको इस टाइप से उन्होंने टायर लगवाया है तो बिल्कुल ही अलग यूनिक कार दिखती है। अगर 3 से 4 लाख के बीच भाड़े में चलना हो, आप पैसे कमाने हो, तो बिल्कुल ही बेस्ट गाड़ी है 3 से 4 लाख के बजट में। भौकाली गाड़ी भी बोलते हैं, इसका जवाब ही नहीं है। एक चीज़ और बोलूँगा, इस गाड़ी में थोड़ी सी बॉडी रोल ज़्यादा होती है, वो महिंद्रा की हर कार में आती है। अभी भी थोड़ा बहुत नई कारों में सुधार किया है फ्रेंड्स। तो ये रहा एक टोटल ओनरशिप रिव्यू, एक टोटल निचोड़ निकाला M2DI 2012 मॉडल का, 3 से 4 लाख का जिसका बजट है वो ले कि ना ले। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, आपके सब्सक्राइब से लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और आपके लिए नई नई गाड़ियों का हम रिव्यू लाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।